नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो जानकारी बताऊंगा और हमने वीडियो के टाइटल में बोल ही चुके हैं, देख ही चुके हैं, तो मित्रों आज की जो छोटे से जानकारी है ये आपकी तरक्की करने में, प्रोग्रेस करने में, आपको आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। जिसके पास में होता है यह जड़ बिल्कुल निश्चित रूप से धनवान बन जाते हैं, उसे किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, धन प्राप्ति करने के लिए हमने वीडियो में कई सारे सरल उपाय बताए हैं, जिस उपाय को अपना करके बहुत से लोगों ने लाभ भी उठाए हैं। आप भी इस उपाय को अपना करके, आज की वीडियो में जो उपाय बताऊंगा, इस उपाय को अपना करके जो लाभ ले सकते हैं, धन की बरकत कर सकते हैं। अगर वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपके नुकसान होने वाले हैं, 3 से 4 मिनट के बनने वाले हैं। वीडियो 3 से 4 मिनट के वीडियो में बताएंगे, छोटी सी जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो आइए जानते हैं इसे कौन सी जड़ है, ऐसा कौन सी पावरफुल जो वनस्पति है जिसके अंदर में इतना ज्यादा ताकत है जो कि आपको धन वृद्धि करने में मदद करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, बड़े बड़े देवी देवताओं ने अपने निवास के लिए वृक्ष का सहारा लिया है। वृक्ष स्वयं धूप में तप करके दूसरे को छाया देता है, इसलिए इसे कुदरत यानी कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। तो हमारे तंत्र शास्त्रों में और वास्तु शास्त्रों में, हमारे तंत्र शास्त्रों में, वनस्पति शास्त्रों में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो गुलर के वृक्ष होता है, अगर गुलर के वृक्ष के फल ले आया जाए शुक्रवार के दिन में, या अगर इसके जड़ को दिवाली के दिन खन करके ला करके तिजोरी में रखा जाए, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान नरसिंह ने अपने नाखून की खुजली शांत करने के लिए गुलर के वृक्ष पर अपने नाखून को दबा दिया था, क्योंकि मित्रों जो गुलर है ना, इससे भगवान कहा जाए तो नरसिंह का वरदान है। गुलर की जो वृक्ष है इसमें स्वयं नरसिंह जो है लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। लक्ष्मी जो है मतलब नरसिंह जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो भगवान विष्णु जो है गुलर के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस वृक्ष को वरदान है। ये लोगों की दरिद्रता को दूर करेंगे, ऐसा वरदान है। और आज भी हमारे दादा दादी से कहते हुए ये जरूर सुना होगा कि जो गुलर के वृक्ष होते हैं, अगर इसके कोई फूल पा जाए तो फिर उसकी किस्मत ही चमक जाएंगे, दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। इसके फूल को अगर आप पैसे में रख देंगे तो वो पैसे जो होता है अक्षत हो जाएंगे, कभी भी वो पैसे समाप्त नहीं होते। दूसरा तांत्रिक वस्तु सुन लीजिए, अमर बेल, ये कभी मरता नहीं है, अमर है। तो धन वृद्धि करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट अच्छा सरल उपाय है, अमर बेल का सहारा ले सकते हैं। ये जिस भी वृक्ष पर होता है उसकी शक्ति को अपने अंदर खींचता है। अगर आप अमर बेल आपको पीपल के वृक्ष पर मिल जाते हैं तो इसे प्रार्थना करके ले आए और आप अपने घर के जो है पूजा स्थान पर इसे रख सकते हैं, या जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपके पैसा को अमर रखेंगे यानी कि जीवित रखेंगे, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगा, निरंतर धन वृद्धि होता रहेगा। महुआ की जड़ अर्धरात्रि में लाया जाता है 12 बजे निर्वस्त्र होकर के, सब कुछ आपको ये जो महुआ की जड़ है प्रदान कर सकते हैं। महुआ की जड़ को अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद में ही निर्वस्त्र होकर के लाया जाता है, बस आपको प्रार्थना करके महुआ के जड़ से लाना है। महुआ की जो जड़ होता है सांप की तरफ फुंकारता है, तो ध्यान से इसके जड़ को हाथ से पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। तो इसके जड़ को ला करके अगर आप जो अपने धन पेटी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो इसे भी धन की वृद्धि होता है और जो भी चीज आप मांगेंगे इसके जड़ से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि महुआ के जड़ का तांत्रिक प्रयोग हमने बहुत से लोगों को करा के देख चुके हैं। तो थोड़ी भी जानकारी पसंद आई वनस्पति शास्त्र की तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।